अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन शाशलिक, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, ये आधा किलो के करीब चिकन है, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था। दो शिमला मिर्चों को, दो प्याजें और दो टमाटर को भी क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट कर लिया है, वह सब में शामिल कर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, तीन चम्मच सिरका और तीन चम्मच सोया सॉस डालेंगे। तीन बड़े चम्मच केचप डालेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने 30 मिनट तक इसे छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। 30 मिनट बाद हम इसे स्टिक्स में मैनेज करेंगे। इसमें कोई रूल एंड लॉ नहीं है, आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें बनाएं। ऐसे ही मैंने सारी स्टिक्स बना के रख ली हैं। दूसरी तरफ पैन में मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, चार चम्मच मैंने ऑयल पैन में डाल के गर्म करके पहले से रख लिया है। अब इसमें स्टिक्स डालेंगे बारी बारी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बनाएंगे। ये जो मैंने सॉस डाला है ये उन्हीं बोटियों का सॉस है जो हमने बनाया था। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जब आपको लगे कि एक साइड से आपकी बोटियाँ पक चुकी हैं तो आप इसकी साइड चेंज करें और नेक्स्ट साइड से इसे अच्छे से पका लें। अब हमारा चिकन शाशलिक एकदम तैयार है तो हम इसे सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, रेसिपी शेयर करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।